मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुंदा पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने विधानसभा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और पार्टी से जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसको विजयी बनाने के लिए हमेशा कार्य करेंगे। वहीं सीएम ने पीएम के संसदीय क्षेत्र को लेकर कहा कि बनारस के किसानों की तुलना में छत्तीसगढ़ के किसानों को 2100 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है और यहां के किसान खुशहाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मतदान के अधिकार से लेकर महिलाओं के अधिकार, धान का समर्थन मूल्य, बैंक में आम जनता को ले जाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र चावल खरीदने से मना कर रहा है तो हमें चावल की नीलामी की प्रति क्विंटल 600 से लेकर 700 तक का नुकसान हुआ। वहीं सीएम ने कहा है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों और पशुपालकों को 2,055.60 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। पिछले समय आप पार्टी वाले लड़के देख चुके हैं, है ना? इस समय भी आज मांग दे दिए, पिछले समय तो जमानत नहीं बची थी। सर अभी ऐसा है कि जैसे जोगी जी बोले थे ना, वो सड़क को चांदी की सड़क बना दूंगा, तो इतने ढंग से बात ही कर मन के चला। चलो धन्यवाद। अखिल जी का आगमन हुआ था और आज संकल्प शिविर था और हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी वहां पर इकट्ठे हुए थे और माननीय भूपेश बघेल जी ने जो क्षेत्र में भी जो विकास कार्य हुए उनके बारे में काफ़ी कुछ बातें की और आने वाले समय भी बहुत सारे विकास